नमस्कार, मैं मनोज कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी, एमएचजे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भरतपुर। मैं आज आपको टैक्सोनॉमी, जो कि विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत अपन प्लांट टैक्सोनॉमी की बातें करते हैं कि टैक्सोनॉमी क्या होती है। टैक्सोनॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादपों की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण व उनकी आपस में रिलेशनशिप की स्टडी की जाती है। इस प्रकार टैक्सोनॉमी पादप विज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार शाखा है। अपन जानते हैं, अगर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अपन बातें करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका नाम, उसके फादर का नाम, उसके गांव, उसकी तहसील, उसके ज़िले व उसके राज्य का पता करना पड़ता है। जब जाके हम उस व्यक्ति तक पहुंच पाते हैं। इसी प्रकार टैक्सोनॉमी पादपों की पहचान के लिए, उन तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान की शाखा है। इसको सबसे पहले देखते हैं, टैक्सोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, जिसमें टैक्सिस मीन्स ऑर्डरली अरेंजमेंट, नॉम्स मीन्स लॉ। दिस वर्ड वाज प्रपोज्ड बाई एपी डी कैंडोली इन हिज बुक थ्योरीज एलिमेंट्री डीला बॉटनिक्यू, थ्योरीज ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। जो ये टैक्सोनॉमी शब्द है, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए हैं एपी डी कैंडोली, उन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरीज एलिमेंट्री डीला बॉटनिक्यू में सर्वप्रथम इस शब्द का नाम लिया है, वहाँ से टैक्सोनॉमी शब्द निकल कर आया है। टैक्सोनॉमी में हम मुख्यतः चार बातों का अध्ययन करते हैं, और यह है प्लांट डाइवर्सिटी की एक अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण ब्रांच है। इन चार बातों के अंतर्गत आइडेंटिफिकेशन, पहचान, नोमेनक्लेचर, नामकरण, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, एफिनिटीज मतलब इंटर रिलेशनशिप आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं। सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी में सिस्टमैटिक्स एक टैक्सोनॉमी से रिलेटेड एक ब्रांच है, जो कि नाम लिनियस ने दिया था। इसके तहत हम पादपों के बाहरी आकारिकी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे जड़, तना, पत्ती व फ्लावर्स के लक्षण। इस प्रकार सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी की एक न्यू ब्रांच है, जिसके अंतर्गत अपन जीवों की विविधता और उनके तुलनात्मक एवं विकासात्मक संबंधों को पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत तुलनात्मक शारीरिकी, तुलनात्मक क्रिया विज्ञान, तुलनात्मक जैव रसायन एवं तुलनात्मक पारिस्थिति का अध्ययन किया जाता है। इस सिस्टमैटिक्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक्स का एक भाग है, जिसमें पादपों के समूहों को रखा जाता है। इस प्रकार टैक्सोनॉमी से ही ये शब्द निकल कर आया है सिस्टमैटिक्स, जो कि टैक्सोनॉमी का नया रूप है।
सिस्टमेटिक्स के बाद एक और टैक्सोनॉमी में शब्द जुड़ा है जिसको न्यू सिस्टमेटिक्स और नियो सिस्टमेटिक्स और बायो सिस्टमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। यह वी टैक्सोनॉमी की एक न्यू ब्रांच है जिसका नाम जूलन हैक्सले ने 1940 में दिया। इसमें आकारिकी लक्षणों के साथ साथ बाहरी लक्षणों या अपन कह सकते हैं पादप के समस्त लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक लक्षणों कोशिकीय लक्षणों दोनों का इसमें अध्ययन किया जाता है कि उसकी कोशिकीय संरचना कैसी है, कितने कोशिकीय पादप है, कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है एवं उसके एनाटॉमिकल करेक्टर्स अर्थात शारीरिक लक्षण भी कैसे हैं। इसके बाद अपन न्यू सिस्टमेटिक्स में आकारिकी लक्षणों के अलावा विकासीय एवं आनुवंशिक लक्षणों को भी इसमें काफ़ी महत्व दिया गया है न्यू सिस्टमेटिक्स में। इस प्रकार अपन न्यू सिस्टमेटिक्स में उनके विकासीय एवं आनुवंशिक करेक्टर्स के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। आगे अपन देखते हैं कि इसके टैक्सोनॉमी का इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे मेन जो इसका सिग्निफिकेंस है या इसका महत्व है वह है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग का अध्ययन करना। मतलब अपन को लिविंग बीइंग्स की विविधता का अध्ययन करना कि कहाँ कहाँ कितने प्रकार के प्लांट्स मिलते हैं, कितनी वैरायटी के प्लांट्स मिलते हैं, ये एक इसका बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण महत्व है क्योंकि इसके आधार पर ही अपन प्लांट्स की स्टडी वाइज स्टडी कर सकते हैं। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस भी है कि अज्ञात जीवों की अपन पहचान कैसे करेंगे और ये भी अपन इस टैक्सोनॉमी के द्वारा ही कर सकते हैं। इस टैक्सोनॉमी में अगला शब्द आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर नामकरण, किसी पादप का नामकरण अपन ग्रीक या लेटिन भाषा में करते हैं क्योंकि ये दोनों ही भाषाएँ डेड भाषा है, डेड लैंग्वेज है अर्थात इनमें परिवर्तन बहुत कम होते हैं। नोमेनक्लेचर नामकरण के अंतर्गत कई साइंटिस्ट ने कई विधियां दी हैं, कई मेथड्स दिए हैं। उनमें नंबर एक है बायोनोमियल सिस्टम, द्विनाम पद्धति। ये द्विनाम पद्धति सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने दी थी। इस प्रकार द्विनाम पद्धति के में कैरोलस लिनियस को फाउंडर ऑफ बायोनोमियल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है अर्थात द्विनाम पद्धति का जनक कैरोलस लिनियस को माना जाता है। पादपों के स्पेसिफिक नेम लिनियस ने, साइंटिफिक नेम लिनियस ने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरा में प्रस्तुत किए। इस द्विनाम पद्धति के अनुसार पादपों के या प्रत्येक पादप का स्पीसीज का दो नाम सम्मिलित होते हैं। नंबर एक जेनेरिक नेम या नेम ऑफ जीनस, जिसका पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है एवं दूसरा है स्पेसिफिक नेम या ट्राइबल नेम, ये पौधे का जाति का नाम होता है जिसका पहला अक्षर लेटर स्मॉल लिखा जाता है। इस प्रकार ये द्विनाम पद्धति ने वनस्पति विज्ञान के में पादपों के नाम के लिए नाम को रखने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सबसे मान्य सिस्टम है जिसमें
चाहे अपन की मानव जाति हो या वनस्पति के पादपों, उनका नाम इनके अकॉर्डिंग दो रूपों में लिखा जाता है। पहला है उसके जीनस का नाम, दूसरा स्पीसीज का नाम।